हर साल हजारों मोबाइल गेम्स आते हैं, जिनमें से हम काफी सारे मोबाइल गेम्स को डाउनलोड करके प्ले भी करते हैं। वहीं कुछ ऐसे गेम्स भी आते हैं जो हमको काफी ज्यादा पसंद तो आते हैं, हम उन गेम्स को खेल नहीं पाते क्योंकि उन गेम्स का साइज ही इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उन गेम्स को डाउनलोड करने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे मोबाइल गेम्स के बारे में जिनका साइज इतना ज्यादा बड़ा है आप लोग सोच भी नहीं सकते। हमारी आज वाली इस वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और भी गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। माय हीरो अकेडमिया इस गेम को डेवलप किया था एक चाइनीज गेमिंग स्टूडियो, एंड आपको बता दूं इस गेम को लॉन्च किया गया था 3 दिसंबर 2020। ये गेम एक एक्शन आरपीजी गेम जिसके अंदर आप लोगों को फुल एक्शन मिलने वाला और है। अगर बात करें इस गेम के साइज के तो बारे वो में है टोटल 9.6 GB। क्यों शौक लगा मेरे भाई? इट्स नॉट अ जोक, इस गेम का साइज रियलिटी में 9.6 GB के आसपास है। डाउनलोड करना चाहोगे इस गेम को मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ लाइफ आफ्टर के बारे में। ये गेम एक सर्वाइवल गेम है। इस गेम की टोटल डाउनलोड्स प्ले स्टोर पर 2019 में 100 मिलियन से भी ज्यादा पार हो गए थे। फिर 2020 में इस गेम को यानी कि लाइफ आफ्टर को हमारे इंडिया के अंदर से बैन कर दिया गया था। इस गेम को डेवलप किया था एक चाइनीज गेमिंग कंपनी ने जिसका नेम था नेटीज। अगर इस गेम के टोटल साइज के बारे में बात करें तो वो सुनकर आप लोग शॉक रह जाओगे क्योंकि इस गेम का टोटल साइज 9.9 GB। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, लाइफ आफ्टर गेम का टोटल साइज 9.9 GB है। लिटरली एक मोबाइल गेम के हिसाब से काफी ज्यादा है। यस, ये गेम इतना बड़ा साइज डिजर्व भी करता है क्योंकि अगर आप लोग इस गेम को खेलोगे तो ऐसा लगेगा कि आप लोग लाइफ आफ्टर को मोबाइल में नहीं बल्कि कंसोल में खेल रहे हो। शब्द में कहूं तो आप लोग जब इस गेम को खेलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग मोबाइल गेम नहीं बल्कि पीसी एंड कंसोल में खेल रहे हो। जो क्वालिटी पीसी एंड कंसोल गेम्स में होती है वो क्वालिटी आप लोगों को मोबाइल में मिलने वाली है इफ अगर लाइफ आफ्टर को आप लोग खेलोगे तो। इस गेम का टोटल साइज मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो है लगभग 9.9 GB। होंगे इम्पैक्ट एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम 2018 में लॉन्च किया गया था, एंड इस गेम के जो डेवलपर्स हैं वो है मीहोयो लिमिटेड। आप लोग भी इस गेम को एक एनीमे गेम भी कह सकते हैं। ये गेम आप सभी को प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर बात करें इस गेम के टोटल साइज, इस गेम का टोटल साइज 11.7 GB है। 11.7 GB। अब जिन बंदों के पास वाईफाई है वो तो आराम से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जैसे लोगों का क्या जिनके पास सिर्फ एक जियो की सिम है? नो डाउट गेम काफी ज्यादा बढ़िया है, बट इस गेम का जो साइज है 11.7 GB वो काफी ज्यादा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये गेम इतना बड़ा साइज डिजर्व करता है या फिर नहीं करता है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अब जब मोबाइल गेम्स के साइज की बात हो रही है और उस लिस्ट में गैंसन इम्पैक्ट ना है तो ऐसा तो हो ही नहीं इस सकता। इस गेम को 2020 में लॉन्च किया गया था एंड्रॉइड एंड iOS के लिए, एंड आपको बता दूं इस गेम को भी डेवलप किया मीहोयो ने। ये एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है, एंड आपको बता दूं सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि इस गेम के अंदर आप लोगों को स्टोरी लाइन भी मिलेगी और साथ ही साथ में काफी बड़ा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए भी मिलेगा। एंड ये गेम आपको बिल्कुल फ्री में प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। बात करें इस गेम की टोटल साइज के बारे में, इस गेम का टोटल साइज है 15.3 GB। जी हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रियलिटी में इस गेम का साइज 15.3 GB के आसपास है। यस, ये गेम इतना बड़ा साइज डिजर्व करता है क्योंकि इस गेम के अंदर आप लोगों को पीसी एंड कंसोल गेम्स की क्वालिटी मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि इस गेम के अंदर एक्शन एंड एडवेंचर तो मिलता ही मिलता है, बट उससे भी ज्यादा बढ़िया इस गेम की जो स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है। लोगों में से किस किस ने गैंसन इंपैक्ट को ऑलरेडी खेल रखा है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, एंड ये भी बताइएगा कि आपने जब इस गेम को खेला तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ड्रीम ऑफ जियांग इस गेम को लॉन्च किया गया था 2018 में, एंड आपको बता दूं मेरे भाइयों इस गेम को पब्लिश किया था नेटीज। ये गेम एक MMORPG गेम है, एंड अब अगर इस गेम के टोटल साइज के बारे में बात करें तो वो सुनकर आप लोग बिल्कुल ही शॉक रह जाओगे। इस गेम का टोटल साइज 18.1 GB है। 18.1 GB गाइस, इस गेम को डाउनलोड करने की तो दूर की बात है, मैं इस गेम के बारे में सोचूंगा भी नहीं। क्योंकि आप लोग इस गेम को डाउनलोड करोगे इस गेम का साइज सुनने के बाद लिटरली I am soft 18.1 GB।
तो बस मेरे भाइयों, आज वाली वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। एंड यस, आज वाली इस वीडियो पे लाइक भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। एंड ये भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको सबसे बेहतरीन गेम कौन सा लगा है। तो बस मैं मिलूंगा आप सभी से एक और अच्छी और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दिस इज मी आपका भाई साइनिंग ऑफ। एंड यस गाइस, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा।